राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार का खाका तैयार हो चुका है। 16 अगस्त को नए मंत्रियों की शपथ तो दिलाई जाएगी। हालांकि कई मंत्रियों का नाम सामने भी आने लगा है, लेकिन तेज प्रताप यादव का नाम गायब रहना ये सीधे तौर पर तेज प्रताप के लिए अच्छी बात नहीं है। तेज प्रताप यादव ये बात सोच रहे थे, उम्मीद लगाकर बैठे थे कि शायद कोई बड़ी जगह उन्हें मंत्री मंडल में मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। दरअसल सीधे तौर पर देखा जाए तो तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के बीच की अनबन का नुकसान अब बड़े भाई तेज प्रताप को उठाना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में आरजेडी की कमान अभी तक तेजस्वी यादव ही बेहतर ढंग से संभाल रहे थे। और ऐसे में देखा जा रहा था कि तेज प्रताप का तो राजनीति से कोई लेना देना तक नहीं था। ऐसे में तेज प्रताप यादव जिस तरह मलाई खाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में वो सपना उनका पूरा नहीं हो पाएगा। माना ये भी जा रहा है कि बहुत सोच समझकर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। तो तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के बीच अब जो अनबन की खबरें आनी शुरू हो गई हैं, इसका फर्क लालू परिवार पर कितना पड़ेगा ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ज़रूर तय करेगा। लेकिन तेज प्रताप यादव की नाराज़गी ये बता रही है कि वो बगावत कर सकते हैं। अगर वो बगावत करते हैं तो मुश्किल नई सरकार को जरूर देखती नजर आएगी, लेकिन शायद ऐसा ना हो कि तेज प्रताप की बगावत का नुकसान खुद तेज प्रताप को ही उठाना पड़े। क्योंकि तेज प्रताप यादव के अगर तेवर की बात करें तो तेज प्रताप यादव को राजनीति में रहना कैसे है और मीडिया से बात करना कैसे है, इस बारे तक की जानकारी नहीं है। क्योंकि आए दिन जिस तरह से वो मीडिया कर्मियों पर भड़क जाते हैं और जिस तरह से अपने साथ 6-6, 7-7 बाउंसर लेकर घूमते हैं, इससे उनकी छवि बहुत ज़्यादा खराब हुई है। तो ऐसे में तेजस्वी कोई बड़ी गलती नहीं करना चाहते, इसीलिए तेज प्रताप यादव को उन्होंने किनारे कर दिया है। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।